क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों? नहीं तो एक मिनट इधर आओ, ये हुआ क्या है? हाथ मत लगाओ, चलो कैंटीन में चलकर बात करते हैं। मैं बीना से जरूर बात करता फायसा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे बात करने का कोई फायदा होगा। मुझे कल रात वो हमारे घर तक आ गई और बहुत नशे में थी वो। उसने मेरे घर आकर बहुत हंगामा किया, यहां तक कि मेरी कजन को भी मारा। उसे कुछ समझाओ प्लीज। जो कुछ उसके साथ हुआ है तुम जानते हो, क्या समझाऊं उसे? प्लीज उससे बात करो कि वो आइंदा ऐसी गलती करने की हरकत भी मत करे। मैं जानती हूँ जो कुछ उसने किया वो गलत है, मगर जो कुछ उसके साथ हुआ वो भी तो सही नहीं। नेमत, उसका इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ और साथ उसको छोड़कर चला गया, जैसे कोई बात ही नहीं। फायजा, ऐसे रिलेशनशिप ज्यादा दिन नहीं चल सकते, क्या गलत कह रहा हूँ? मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ ये, लेकिन साथ को ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए, अब बहुत देर हो चुकी है। अब बिना कुछ होना इतना आसान नहीं है नेमत। तुम ठीक कह रही हो। मेरा ख्याल है कि तुम्हें मुझे समझाने से पहले साथ को भी समझाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए जो कुछ उसने किया उसको पहले ख्याल क्यों नहीं आया जब वो पैसे लेता रहा बीना से? उसे उस वक्त क्यों ये ख्याल उसे क्यों नहीं आया कि बीना उससे बड़ी है जब उसे पैसे चाहिए? इस बात पे मैं यकीन नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि तुम अपने भाई को अभी अच्छी तरह नहीं जानते फायसा, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? बात कर सकते हो साथ से, उसे समझाओ कि ये रिश्ता ऐसे नहीं टूट सकता। अगर उसे ब्रेकअप करना भी है तो कम से कम एक आध कॉल कर लिया करे बीना को एक हफ्ते में। मैं जानती हूँ बीना को, उसके लिए साथ का कॉल करना ही बहुत है, प्लीज। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी, लेकिन तुम्हें भी उसे समझाना होगा। अगर तुम्हें कोई साथ से प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकती हो, और ये बात हमारे दरमियान रहे, ठीक है? ठीक है। और एक बात और, अगर बीना की प्लास्टिक सर्जरी के लिए तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। फायसा, अगर तुम उसे मदद मांगोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं डेफिनेटली कहूंगी, लेकिन एक बात जरूर है कि तुम साथ से बहुत मुख्तलिफ हो। उसने तुम पे तुम्हारे घर पर आकर हमला किया है, वो तो वाकई में पागल हो गई है। तुम्हें उसे बताना चाहिए था कि हम दोनों आपस में कजिन्स हैं और कुछ भी नहीं। सवेरा, उससे वो इस कदर नशे में थी, मैं उसको क्या कहती यार? मैं क्लास में जा रही हूँ। रुको, बैठो तो एक मिनट, कुछ कहना है। मुझे तुमसे दरअसल एक बात पूछनी थी, क्या तुम हलील के दोस्त के पार्टी में जाने के लिए इंटरेस्टेड हो? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, उसने इतने दिल से इन्वाइट किया था हम दोनों को, आई गेस हमें जाना चाहिए। यार चलो ना प्लीज। नहीं आ सकती मैं, घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, तुम जानती तो हो। मैं रात को घर से देर तक बाहर नहीं रह सकती, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हम कुछ बहाना कर लेंगे। सवेरा, मैं अहमद अंकल से झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। मुनज़्ज़ा प्लीज चलो ना, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो? अब बस भी करो मुनज़्ज़ा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेहंदी दीजिएगा मुझे थोड़ी सी। जी ठीक है। कितने हुए? ज्यादा नहीं, 15 किए बस। ये ले। आने का शुक्रिया मैडम। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। कितने का? 55 का। लीजिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। कैसे इतना खाना बनाएंगे? वो तो चाहती है हर चीज वक्त पर हो। एमन डार्लिंग, हमें खाना देने से पहले खुद ही खा लेंगी क्या सब कुछ? तौबा है, तुमने तुम चीज चलाई। क्या बात है, आज इतनी तैयारियां आखिर हो किसके लिए रही हैं? अरे बताओ तो इसे एमन। ये सब तहनियत के लिए हो रहा है, उसके दोस्तों की पार्टी है। तहनियत की पार्टी यहाँ किस लिए? तुम तो ये जानते ही हो ना, उनको यहाँ रहना कितना पसंद है। चलो ठीक है,
आप उसे मेरी तरफ से मुबारकबाद दे दीजिएगा। मैं एक्चुअली कुछ कपड़े लेने आया था अपने। रुको रुको, साथ कल रात यहाँ पर एक औरत आई थी, तुमसे मिलना चाहती थी, वो नशे में थी। कौन आया था, क्या कह रही है? उसने मुनजा को मारा भी था, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे भाई ने अलग किया, यहाँ सारा मुंह का नोच लिया था, सब परेशान हो गए थे। हाँ, क्या हुआ? आखिर क्या सोच के उसकी हिम्मत हुई मेरे घर पे आने की? समझती क्या है वो खुद को यार? जो कुछ भी उसने किया है उसका हिसाब उसको देना पड़ेगा, ये बात अच्छे तरीके से समझ लो तुम लोग। बीना से हिसाब तो तुम बाद में लेना, पहले अपनी गर्लफ्रेंड से तो हिसाब ले लो। तुम जिसके लिए बीना को छोड़ रहे हो वो तो किसी और के साथ है। देखना चाहो क्या क्या उसे तुम? एड्रेस दे सकती हो तुम्हें। कहाँ है वो? बोटिंग करने जा रही है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हेलो, बाय। लगता है बहुत जल्दी में था, देखा तक नहीं। ये तो अच्छी बात है कि घर पे कोई भी नहीं होगा। खुशामदीद, मैंने आज बहुत सारा खाना बनाया आप लोगों के लिए। शाइस्ता और तहनियत मेरी बेटियों जैसी। अच्छा अच्छा, बस करो बस करो। शाइस्ता घर पे है? नहीं, वो अभी नहीं आई है। सुनो, जल्दी से अंदर लेके आ जाओ। हाँ हाँ। क्या सास से बात हुई? नहीं बाबा, मैंने सोचा आमने सामने बात करना ज्यादा बेहतर होगा। बाबा, एक दो काम है मुझे ऑफिस में, फिर घर चलते हैं हम। यानी जो उसने कहा काबिले माफी नहीं है बिल्कुल। तुम जाओ और जाकर उसे अपने साथ ले आओ घर पर। आप परेशान ना हो, मैं ले आऊंगा। सिर्फ हम क्यों हैं? आपने तो कहा था कि पार्टी है। वो पार्टी तो उस वक्त ही जब बताया था तुमने। और वैसे भी हम दोनों यहाँ अकेले नहीं हैं। देखो, सवेरा भी तो है यहाँ। समंदर को एंजॉय करना सवेरा से सीखे कोई। तुम्हें समंदर अच्छा लगता है? साहिल पे तो बिल्कुल नहीं, लेकिन बोट पर बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है। करते क्या हो आप वैसे? तुम्हें ऐसा बिहेव करने की जरूरत नहीं कि जैसे मैं तुम्हारा बॉस हूँ। अच्छा लगा ये सुनके। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। That's nice. क्या तुम्हें बोट चलाना पसंद है? नहीं, मैंने नहीं चलाई। क्या चलाना पसंद करोगी? सच कह रहे हैं आप? हाँ, यहाँ आओ, इधर आओ, इसको टाइट पकड़ो, ठीक है? जब तुम राइट पे जाओ तो इसे राइट पे टर्न करना, और जब लेफ्ट पे जाओ तो लेफ्ट पे टर्न करना। हाँ, आसान है ना? हाँ, चला लोगी? मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहती। क्यों, डर लग रहा है तुम्हें? समंदर की वजह से नहीं। तो क्या शाइस्ता से? क्या उसने कुछ कहा है फिर? आज उनके घर में तहनियत की बैचलर पार्टी है हलीन। कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं यहाँ पर रहूंगी। तो परेशान होने से क्या, कहीं एंजॉय कर सकोगी तुम? मैं जानती हूँ, मगर मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। हसास हो काफी तुम। इस्तांबुल में और रिश्तेदार नहीं है तुम्हारे? क्या नहीं, मेरे कोई और रिश्तेदार नहीं है, ना इस्तांबुल में ना इस्मेर में। इंटरेस्टिंग। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? देखो, वालिद की तरफ से नहीं मगर अम्मी की तरफ से रिश्तेदार तो होंगे तुम्हारे। मेरी अम्मी से कोई नहीं मिलता था, अगर होंगे भी तो मुझे नहीं मालूम। तुम्हें सर्दी लग रही है क्या? आई थिंक बहुत देर हो रही है, हमें वापस चलना चाहिए। तुम जैसा चाहो। जॉन, बोट वापस ले चलो। क्या हो गया यार? अब सवेरा मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बोट को टर्न कैसे करते हैं। इन नीडल्स को गौर से देखती रहो और आहिस्ता आहिस्ता टर्न करती रहो। असल में मैं नर्वस हूँ। नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, ठीक कर रही हो। खुशामदीद। हाँ, ये लो, इसमें कुछ खाने का सामान है, वो भी साथ रख लेना। इसे रहने दो, ये मेरा है।
अम्मी और तैनियत कहाँ हैं? हाँ हाँ आ गए हैं, अंदर बैठी हुई। अच्छा तैनियत, जरा इसको सही तरह लगाओ ना। पेट तो अंदर करें अम्मी, यहाँ से। हाँ सही तरह। अरे क्या जान से मारोगी अपनी माँ को? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपको फिट नहीं आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल फिट है मुझे, बस जरा नर्वस हो रही हूँ मैं इसको पहनते हुए। मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही है कि इस ड्रेस में आपका थम ही ना घुट जाए शरीर। चलें आपा भी आ गए। आपा तहनियत बहुत प्यारी लग रही हो। कैसी लग रही हूँ मैं? ये पहनूंगी मैं। ये कैसा ड्रेस है आपा? सीरियसली आपा ये पहनेंगी? क्या आपके पास ज्यादा अच्छा सा फैंसी सा कोई ड्रेस नहीं है? शादी तुम्हारी हो रही है, मेरी नहीं, मेरे लिए यही ठीक है। अम्मी हाँ। तहनियत के लिए कुछ ज्वेलरी ली है मैंने आर्टिफिशियल, कुछ ना पहनने से तो अच्छा है वरना लोग बातें बनाएंगे खामखा। ये तो होना ही था बेटा, इतना निकम्मा लड़का जो चुना इसने शादी के लिए। कोई अमीर लड़का अगर देखा होता तो आज ही दिन ना दिखना पड़ता। मैं तो कहती हूँ कोई कसूर नहीं है उन लोगों का, गलती हमारी बेटी की जो इतनी बेवकूफ निकली है। मैं और क्या कर सकती हूँ अम्मी, आप जानती है ना कि वो ज्यादा नहीं कमाते। हाँ तुम कैसे कह सकती हो, तुमने कहने को छोड़ा ही क्या है हमारे लिए, हमें तो बस ये फिक्र है कि ये शादी हो जाए। मैं बता रही हूँ बिल्कुल जीरो पर है ये लड़का, एक टका खर्च नहीं करेगा अपनी शादी पे बिल्कुल। ये शादी के बाद मैं तो एक पैसा देने की नहीं इसे बिल्कुल। देख समझ ला आप दूंगी, चलो चलते हैं। चलो आओ मैं तुम्हें घर। नहीं मैं बस से चली जाऊंगी। अरे यार क्या हो गया तुम्हें, बोट में बैठने का सारा मजा खराब हो जाएगा। चलो okay, सिटिंग करो। बाय बाय, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। बाय बाय बाय। साथ मैं इसे समझा देता हूँ, ठीक है? मैं इससे खुद बात कर लूंगी। हाँ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ लेने आया हूँ तुम्हें, चलो। हाँ चंगे जी, मैंने तुमसे कहा तो था कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, बहुत जल्दी दे दूंगा पेमेंट। अरेंजमेंट तो तुमने बहुत अच्छी की है शाइस्ता। हाँ आप तो मेरे घर पहली बार आई हैं। अल्लाह मुबारक करे। चलें आज तो तहनियत के लिए आ गई हैं, फिर कभी मिलने भी आइएगा आप। आज से पहले तो सीधे मुंह बात तक नहीं की और अब देखो शिकवा शिकायत शुरू कर दी इन्होंने। मेरी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई है, वो जल्दी आने वाले हैं, रिलैक्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मेहमान खुसूसी है ना, जब तकरीब खत्म हो जाएगी तब आएंगे। हमारा क्या है, हम तो यहाँ उनके इंतजार में खड़े सूखते रहेंगे, इतने सुस्त लोग मैंने कभी नहीं देखे। खुशामदीद। कैसी आप अम्मी? कैसी हैं आप? खुशामदीद। शुक्रिया बेटा, हम तो जल्दी ही आना चाहते थे यहाँ पर, माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये जो कुछ भी किया है शायस्ता के नौकरों ने किया है, हम तो सुबह से बस तैयार होने में लगे, हमें तो कुछ करने ही दिया लोगों ने। एमन जरा मेहमानों को बिठाओ वहाँ ले जाके आराम से। प्लीज अंदर आइए, अंदर आइए। अरे तुम कितनी प्यारी लग रही हो। यहाँ बैठे माशाल्लाह, देखो तो जरा नंद बाबा जी का प्यार। अल्लाह अल्लाह तुम्हें हमेशा से रखे इंशाल्लाह। देखा क्या कहा इसकी सास ने, हर चीज बड़ी खूबसूरत लग रही। अरे क्यों ना लगे, हमको इनकी तरह थोड़ी है क्या।
अब मेरे बोलने पे भी पाबंदी लगाओगी। शुगर नहीं मिली मुझे, तो क्या तुम उसके बगैर पी सकती हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही तुम? ठीक हो तुम अपनी जगह, तुम्हारे साथ ये सब नहीं होना चाहिए था। बीना ने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ, मुझे अंदाजा है कि वो सब कितना गलत है। मैं उससे कल बात करूंगा इस बारे में। उसने जो कुछ किया उसको भुगतना पड़ेगा। साथ उससे मेरे बारे में कोई बात नहीं करना, सुन लो। लेकिन मैं तुम्हारा बदला क्यों ना लूं उससे? रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं तुमसे, मैं उससे दोबारा नहीं मिलना चाहती यार। तुम सोच नहीं सकते कल रात मैंने कैसा महसूस किया। सौरभ की शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूं मैं। मैंने ब्रेकअप कर लिया बीना से, और उसने इसी का गुस्सा निकाला है तुम पे। अच्छा किया साल, तुम्हें उससे अच्छी मिल जाएगी जो तुम्हारे लायक होगी। मुझे जिसका साथ चाहिए उसे अच्छी तरह जानती हो तुम। मुझे जिसका साथ चाहिए उसे अच्छी तरह जानती हो तुम। साथ सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ड्रिंक करना छोड़ चुका हूं मैं, और जॉब भी स्टार्ट कर दिया मैंने, एग्जाम्स भी दे रहा हूं मैं। बहुत जल्द तुम्हारी जिम्मेदारियां उठाने के लायक हो जाऊंगा मैं। ये मुझे सुनकर खुशी हुई, मगर मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना। मैं चलती हूँ। रुको, मुझ पे यकीन नहीं है क्या तुम्हें? कन्विंस करूंगा तुम्हें, कहीं नहीं जा रही हो तुम। कन्विंस करने की बात नहीं है साथ, कजिन्स हैं हम और कुछ नहीं। मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं तुम्हें? मेरी बात सुनो साथ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। रुको एक मिनट, पेन हो रहा है तुम्हें? हटो, नेमत आ गए। साथ प्लीज उनके आने से पहले मुझे छोड़ दो, मुझे तो जाने क्या दो। हो जाएगा अगर उन्होंने देख लिया? उनको पता है मैं तुमसे प्यार। साथ छोड़ो मुझे। मुनज़ा, मुनज़ा। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। क्यों, क्या हो गया? आप साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कल घर आई। वो गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, ब्रेकअप कर चुके हैं हम। हाँ जानता हूँ, उसको जितना इस्तेमाल करना था तुमने किया, और अब उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। आफरीन है साथ, मेरी बात सुनो। तुम्हारी गलतियों का असर मेरे घर पर ना हो। बाबा को तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। और जानते हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने क्या किया? मुनज़ा को मारा। आखिर तुम किस किस्म के इंसान हो साथ, कि तुमने सिर्फ अपने मफाद की खातिर एक औरत को मोहब्बत का फरेब दिया, और अब वो औरत तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो रही है। देख रही हूँ शेख, अपने हीरे जैसी बेटी कैसे देती हमने इन लोगों को। मुझे तो अफसोस हो रहा है, थोड़ा सा सब्र कर लेती तो कोई अच्छा रिश्ता इसको मिल जाता। अम्मी खुदा के लिए चुप हो जाए। अरे तुम क्यों परेशान हो, आ जाएगा थोड़ी देर में। अम्मी मैं जरा किचन से होकर आती हूँ, देख लूँ सब अरेंजमेंट। हाँ हाँ जाओ बिल्कुल। शायस्ता खाने में लाल मिर्च जरा तेज कर दे, ताकि ये लोग खाना जरा कम खाएं, बच जाए। चलो जाओ, जल्दी से जाओ, सब समझ लेंगे मैं कुछ गलत कह रही हूँ।
यहाँ क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा, फौरन जाओ यहाँ से। मुझे फौरन पैसों की बहुत सारी जरूरत है, मुझे चाहिए। चले जाओ यहाँ से, मैं पैसे तुम्हें कल दे दूंगी, ठीक है? कल प्लीज जाओ, प्लीज जाओ, ठीक है? अब जाओ इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले, जाओ। मुनासा को बुला। मुनासा नहीं है यहाँ। मुनासा से मिलना मुझे भेजा दो, बुला के आओ। कह तो रही हूँ वो नहीं है यहाँ, तुम जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा, जाओ। शाइस्ता, कौन है यार? बाबा, मैं जो कहना था कह चुके, और कुछ कहना है कह दो, और अगर कुछ नहीं कहना तो प्लीज आप जाए, जाए भाई, जाए भाई, प्लीज जाए। मुनस्सा, वो यहां क्या कर रही है? कुछ भी नहीं, रुके। साहब चलो भाई, अब छोड़े से, इसका कोई कसूर नहीं है, मैंने इसको बुलाया था यहां मिलने, छोड़े ना यार। साथ मैं इसका कुछ नहीं सुनना चाहता। इस बारे में बाद में बात करते हैं। कौन आया है? ये मेहमत का दोस्त है, बहुत पुराना। हेलो, मुझे मिलना। हेलो, क्या हो गया तुम्हें? मैं देखती हूँ, उसको संभालती हूँ। क्यों पीते हो इतनी? आई एम रियली सॉरी बाबा, मेहमत का दोस्त था ये। बहुत बेशरम आदमी था, तहनियत से कहना इस आदमी को अपने घर ना आने दे। मेहमत अकेला था तो ठीक था, मगर शादी के बाद ऐसे दोस्तों को घर आने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। जी कह दोगे। लाए मैं दे दूं बाबा। शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की क्या बात है? एमन को कह दिया है मैंने कि खाना आपके कमरे तक पहुंचा दे, मेरे ख्याल में भूल गई है, दोबारा कह देती हूँ। नहीं नहीं, उसने मुझे दे दिया था खाना, खा चुका हूँ मैं। आपको तकलीफ हो रही होगी इस शोर शराबे की पार्टी जो नहीं है, अच्छा होता हम ये पार्टी घर पे ही रख लेते अम्मी के। तुम्हें क्या हो गया? तहनियत की खुशी है ये, उसे मनाने दो। मेरी तो ख्वाहिश है कि मुनस्सा की भी बैचलर पार्टी ऐसी हो और इसी घर में मनाए हम। वैसे नेमत ने बहुत देर कर दी। हाँ, उसे मैंने भेजा है साथ को घर लाने के लिए, उसे कहा है कि कान से पकड़ के लिए। वाकई? तो क्या माफ कर दिया अपने साथ को? माफी के अलावा और है क्या मेरे पास? बेटा है वो मेरा, औलाद होगी तुम्हारी तो अंदाजा होगा तुम्हें शाइस्ता। मुझे माफ कर देना बेटा, ऐसा नहीं कहना चाह रहा था मैं कमरे में जा रहा हूँ, तुम जरा मेहमानों का ख्याल रखना। ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, गुड नाइट। बेवकूफ है, भला मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से दूर कहाँ रह सकते हैं? ये तो कह रहा हूँ, मैं कहा था, कई बार कहा था उससे कि अपने ताया से बात करे शादी। आहिस्ता आहिस्ता, मैं इतना अमीर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा गया गुजरा भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। आप डांस क्यों नहीं कर रही? आखिर आपकी बहन की बैचलर पार्टी है आज। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मन, सबको पता है क्या हुआ मेरे साथ और डांस करती फिरूं मैं, हद होती किसी चीज की। आप डांस क्यों नहीं कर रही? आखिर आपकी बहन की बैचलर पार्टी है आज। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मन, सबको पता है क्या हुआ मेरे साथ और डांस करती फिरूं मैं, हद होती किसी चीज की।
अब मैं समझी तुम्हारी हालत। देखो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि तुम दोनों को किस तरह से मिलवा सकूं। मुनज़्ज़र से बात करेंगे, मिलवाएंगे ना मुझे? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मिलवाऊंगी, थोड़ा सब्र करो। मेरा तो अब मकसद यही है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगी, समझाऊंगी, मैं बताऊंगी उसे कि कितना चाहते हो तुम उसे। लेकिन थोड़ा वक्त तो दो मुझे, एकदम थोड़ी हो गई सब। तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो, देखना कैसी खिंची खिंची चली आएगी। लेकिन मैं मुनज़्ज़र का वेट नहीं कर सकता इतना। बुलाओ। देखो तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सुनो ज्यादा दिन नहीं, मैं तुम्हें ज़बान देती हूँ, बस एक महीने के अंदर अंदर वो तुम्हारी होगी। सच कह रही? वादा है पैरहन का। अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो गर्दन दबा दूंगा मैं, बता रहा हूँ तुम्हें। चुप, छोड़ इसको। मजाक कर रहा था। शरीर कहेगा। एक दूंगी रख कर, आइंदा इतनी नहीं पीना, चलो यहाँ से, चलो इधर। नेमत आप मुझसे नाराज है, मैं जानती हूँ, आप प्लीज कुछ गलत मत सोचें। साद ने मुझे बस बात करने के लिए बुलाया था नेमत, और मैं मना नहीं कर सकती थी। क्या प्यार करती हो? साथ से प्यार करती हो मुनस्सा? मुनस्सा, साथ तुम्हारा कजन है, वो तुम्हारी तरह नहीं है, एक गैर जिम्मेदार लड़का है, तुम्हें किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो तुम्हारा ख्याल रख सके। और साथ साथ एक ऐसा इंसान है जो जिंदगी भर उस तरह से तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता जिस तरह से उसे रखना चाहिए, इसके बावजूद भी तुम उससे प्यार करोगी? सोचो मुनस्सा, जवाब दो। नहीं, मेरी आंखों में देखो, अब बताओ तुम उससे प्यार करती हो? सच सुनना चाहता हूं। नहीं करती हूं। मैं जानता था कि तुम मेरी बात समझ जाओगी मुनस्सा। उसे कैसे भेजा अम्मी आपने? बस कुछ बातें बातें करके बहाने बना के भेज दिया। सच पूछिए अम्मी, तो मेरी तो जान ही निकल गई थी बाबा को देख के, बिल्कुल सही वक्त पर आई आप। क्या जरूरत है डरने की तुम्हें उससे? डरना तो मुनस्सा को चाहिए। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा रास्ता मिल गया मुनस्सा को यहाँ से निकालने का। मैं तो कहती हूँ सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, तुम्हारा ससुर उसे खुद ही निकाल देगा जब पता चलेगा उसका। देखो शायस्ता, अल्लाह ने कैसी सुन ली हमारी, खुद पर खुद रास्ता निकला। अब दोस्तों इतनी अच्छी खबर सुनाई मैंने और तुम मुंह लटका के खड़ी। सुन लिया है मैंने, मगर मुनज़्ज़ा मुबारक हो तुम्हें बेटा, इजमेर से तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया था। मुनस्सा बहुत बेचैन था तुमसे मिलने के लिए, लेकिन मैंने उसे भेज दिया क्योंकि मैं अपनी बेटी की खुशियां बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मुबारक हो तुम्हें बेटा, इजमेर से तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया था। मुनस्सा बहुत बेचैन था तुमसे मिलने के लिए, लेकिन मैंने उसे भेज दिया
क्योंकि मैं अपनी बेटी की खुशियां बर्बाद नहीं करना चाहती थी। ओह, आ गए आप नेमत। खुश आमदीद नेमत। साथ को लेने गए थे आप तो, वो आया नहीं क्या? बाद में बताता हूँ क्या हुआ। बाबा घर पर मौजूद है? रूम में है। मैं उनको देखता हूँ। क्यों नहीं बताया अभी? बताना चाहिए था, इससे बेहतर मौका कब मिलेगा तुमको? बता दूंगी उसे, जल्दी क्या है। चले हम तैनियत के पास चलते हैं, उसे अकेला छोड़ा हुआ है बहुत देर से हम दोनों ने, मुनासिब नहीं लगता। चले आए अंदर। हर वक्त तुम अपनी मर्जी करना, चलो। आ गए तुम? साथ कहाँ है, नहीं आया वो? जी नहीं आया। नहीं आया क्या मतलब? उसे कान पकड़ के ले आते मेरे पास। वो बड़ा हो गया है, जबरदस्ती तो नहीं कर सकता था बाबा। जब उसकी मर्जी होगी वो आ जाएगा। उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ आके तमाशे कर रही है और खुद वो वहां दोस्तों में मजे से बैठा है। साथ कोई मजे नहीं कर रहा है, इतना तो मैं जानता हूं बाबा। तुमने पूछा उससे कि कौन थी वो औरत? पूछा उससे कि क्यों आई थी वो यहां? बाबा मैंने आपको बताया तो था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अरसे से हैं। मुझे पता है साथ के दोस्तों ने फंसाया उसे, वरना वो ये काम नहीं करता कभी। मैं जानता हूं अपने बेटे को। बाबा इस चीज का इल्जाम आप किसी और को ना दें, सब किया धरा साथ का अपना है, भला कोई क्यों किसी के कहने पर कुएं में कूदेगा। नेमत ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, और छुपाओ उसकी गलतियां और पर्दे डालो उस पर। मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस औरत के बारे में तुमने? अब आप भी मुझे कसूरवार ठहराएंगे बाबा, यानी ये सब कुछ उसने मेरे कहने पे किया है। ठीक है, मैं कसूरवार। तुम उसकी शिकायत करके मुझसे अपनी जान नहीं छुड़ा सकते नेमत, ऐसे खत्म नहीं हो सकती जिम्मेदारी तुम्हारी। बड़ा भाई बन के दिखाओ तुम। गुड नाइट बाबा।